तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज सातवां दिन है। 150 दिन और 3,570 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा में अभी केरल में है। राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चल रहे हैं। इस दौरान वे 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यात्रियों में 32 महिलाएं भी हैं। सभी के रहने, खाने पीने और आराम करने के इंतजाम भी साथ चलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मंगलवार को सातवां दिन है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर भारत जोड़ो यात्रा जम्मू इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये यात्रा सातवें दिन तिरुवनंतपुरम पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कई नेता भी मौजूद रहे।